नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए टोकरी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये रोप लिया है और ये वायर है, गोल्डन वायर। इसको टेप से अच्छे से चिपका देंगे ताकि रोप को अच्छे से मोड़ सकें। ये देखिए, इस तरह से इसमें गोल्डन कलर की लेस लगाएंगे। इस रोप को पूरी तरह से गोल्डन लेस से कवर कर देंगे। गोल्डन वायर को बड़ा लिया है मैंने, इससे टोकरी में फिट करने में आसानी रहेगी। ये बाउल लिया है, इसमें दो तरफ चार चार होल किए हैं, हैंडल लगाने में आसानी रहेगी इससे। अभी जो तार है इसको दोनों होल्स में डाल देंगे। दो तार डालेंगे एक तरफ और दूसरे तरफ भी दो तार डालेंगे। इसको टोकनी में इस तरह से डालने के बाद इस वायर में अच्छे से कस देंगे इसको, इस तरह से। ताकि ये इसमें अच्छे से फिक्स हो जाए। अब इसमें कपड़े को अच्छे से स्टिक करेंगे, ग्लू लगाएंगे और कपड़े को अच्छे से चारों तरफ स्टिक करना है। यहाँ पे वेलवेट का कपड़ा लिया है मैंने। इसी तरह से अंदर की तरफ भी ग्लू लगा के कपड़े को अच्छे से स्टिक करेंगे फिनिशिंग से। अब इसमें लेस लगा रही हूँ बीड्स वाली, ऊपर की तरफ लगाएंगे। एक लेस अंदर की तरफ लगाएंगे पूरी गोलाई में। अब इस लेस के ऊपर की तरफ भी अच्छे से लेस लगाएंगे। इसके नीचे की तरफ भी यही लेस लगाएंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से ये वाली लेस लगाएंगे। चारों तरफ इसी तरह की लेस लगा देंगे।
अब यहाँ पे थिक फोम लिया है और इसको वेलवेट के कपड़े से कवर कर देंगे अच्छी तरह से, और इसको इस तरह से टोकरी में अच्छे से स्टिक कर देंगे। अब इसको डेकोरेट करेंगे इस तरह के फ्लावर्स से, और ये ग्रीन लीफ से अच्छी तरह से इसको डेकोरेट करेंगे। तरह से चारों तरफ से डेकोरेट हो गई है, और यहाँ पे बीट्स की लटकन लगाएंगे। ये स्टोन वाली लेस है, इसको भी आखिरी तक लगा देंगे। इसमें मैंने हाफ में फ्लावर रखा है और हाफ में लेस। सेंटर में मोर पंख लगाएंगे, ये देखिए ये टोकरी तैयार हो गई है, ये बहुत सुंदर लग रही है। इसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड को वाइट पेपर से अच्छे से कवर कर दिया है। इसमें पतला फोम लगा देंगे अच्छे से, चारों तरफ लगाना है ताकि चारों तरफ से अच्छे से सॉफ्ट रहे। ग्लू लगा के कार्डबोर्ड को अच्छे से कपड़े से कवर कर देंगे। सैटन का कपड़ा लिया है मैंने। एंड्स को भी अच्छे से कवर कर देंगे। अब इसी कपड़े को अंदर से कवर करना है, ये फोम के ऊपर पूरा अच्छे से चिपकाना है। न्यूज़पेपर को अच्छे से रोल करके पाइप बना लेंगे। ग्लू लगाते जाना है और इसको रोल करते जाना है।
रोल हो गया है, इसको अच्छे से चिपका लेंगे। उसको अच्छे से प्रेस करके देखिए इस तरह से एकदम प्रेस कर देना है ताकि ये बास्केट का हैंडल बन सके। इसको नाप लेंगे, हम इसको कट कर, यहाँ पे मैंने गोल्डन वायर ली है, इसको अच्छे तरह से ट्विस्ट करके पूरा मोड़ लेंगे ताकि कहीं से भी वायर ना निकले। यहाँ पे मैंने 4 वायर लिए हैं, इसको अच्छी तरह से मोड़ना है। इसके दोनों एंड्स को अच्छी तरह से मोड़ देंगे ताकि चुभे ना। अब इसको पेपर पे टेप से चिपकाना है ताकि ये अच्छे से स्टिक रहे, हिले ना अपनी जगह से, ताकि इसको मोड़ने में आसानी रहे। इसको पूरी तरह से टेप से कवर कर देंगे। कपड़े से भी कवर कर देंगे इसी तरह से। कार्डबोर्ड में 4 होल्स बना रहे हैं, दोनों तरफ 4-4 होल बनाने हैं। चारों होल बन गए हैं, अब इसमें ये गोल्डन वायर डाल देंगे इसी तरह से। देखिए इस तरह दोनों तरफ वायर डालना है। इसी तरह से इसके हैंडल्स में भी 4-4 होल्स कर लेंगे ताकि अच्छे से वायर जा सके। इसमें वायर डाल देंगे, नीचे के वायर नीचे वाले होल में डालना है और ऊपर के वायर ऊपर वाले में, ताकि कसने में आसानी रहे। इन वायर्स को अच्छे से मोड़ देंगे इस तरह से, खींच के मोड़ना है ताकि निकले ना बाद में। दोनों तरफ ऐसे ही करना है। Thank you.
एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे। एक फोम शीट ली है थिक वाली, जो सेंटर में रखेंगे, उसको कपड़े से अच्छे से कवर कर रही हूँ। इसको ग्लू से अच्छे से चिपका देंगे। अब यहाँ पे नाप लेंगे कि कितना नेट चाहिए, तो इसको दोनों तरफ से नाप रही हूँ। यहाँ पे लेस लगा देंगे। दो तरह की लेस लगाऊंगी मैं इसमें। नेट के कपड़े में तीनों तरफ से लेस से कवर कर रही हूँ। एक तरफ नहीं लगाएंगे, जिसको हम पीछे के हिस्से में चिपकाएंगे। नेट को अच्छे से बास्केट के ऊपर डालेंगे, सामने की तरफ खींच के। अब पीछे वाला हिस्सा है, इसको ग्लू से चिपकाएंगे। इस तरह से चिपका दिया है। अब ये पीछे वाले जो हिस्से पे राइट साइड का जो नेट बचा हुआ है, उसको भी चिपकाएंगे। अब हैंडल के ऊपर भी अच्छे से ग्लू लगा देंगे, ताकि जो नेट है अपनी जगह से हिले ना। इसको सेंटर से कट कर रही हूँ, ताकि इसको अच्छे से ओपन कर सके। इसमें लेस लगा देंगे। इसको मोती से डेकोरेट कर रही हूँ।
नया मोर पंख लगाएंगे। अब इसको फ्लावर से डेकोरेट कर रही हूँ। ये लड्डू गोपाल की छोटी सी बास्केट रेडी है, इसके अंदर मैंने तकिया रख दिया है। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं बहुत सुंदर बनी है। इसमें लड्डू गोपाल बहुत आराम से बैठ सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे राउंड बॉक्स लिया है इस तरह का, और ये पतली सी पाइप है, इसको मैंने नीचे से कट कर लिया है दोनों तरफ से। इसमें ग्लू लगा लेंगे और कपड़े को अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे, इस पर अच्छे से लपेट के चिपका देंगे। इस पाइप में मैंने थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया है इस तरह से, दूसरे साइड भी इसी तरह छोड़ना है, बाकी पूरा कवर कर देंगे कपड़े से। ये इस तरह से कवर हो गई है। अब इसमें एक गोल्डन लेस लगाएंगे, नीचे की तरफ से शुरू करेंगे। बीच में गैप छोड़ते जाएंगे। इस तरह से हैंडल बन गया है। अब इसको तार से कार्डबोर्ड में इस तरह से दोनों तरफ से एक एक तार डाल के और अच्छी तरह से मोड़ देंगे इस तरह से वायर को पाइप के ऊपर। दूसरी तरफ भी इसी तरह करना है ताकि हैंडल अच्छे से फिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से तार से फिक्स कर दिया है। अब इसमें ग्लू लगाएंगे और कपड़े को स्टिक करेंगे। ये पूरे कार्डबोर्ड को कपड़े से कवर करेंगे। अब इसके सेंटर में कट लगाएंगे दोनों तरफ इस तरह से। ये दूसरी तरफ भी इसी तरह कट लगाएंगे ताकि कपड़े को अच्छी तरह से अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ ग्लू लगाएंगे और कपड़े को स्टिक करेंगे अंदर की तरफ। पूरे कार्डबोर्ड को इसी तरह कपड़े से कवर कर देंगे। फोम लिया है, फोम को भी कपड़े से कवर करेंगे। ग्लू लगाते जाएंगे और कपड़े को फोम से अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। इस तरह से बन गया है ये। अब इसको
कार्डबोर्ड में अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। लटकन वाली लेस लगा रही हूँ, पूरे कार्डबोर्ड को इसी तरह की लेस से कवर करूँगी। नीचे की तरफ भी लेस लगाएंगे, पूरे कार्डबोर्ड को इसी से कवर करेंगे। नेट कट किया है, इसको इस तरह से इकट्ठा करेंगे और ये बीच में इस तरह से एक वायर लेंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे इस पर और इसके हैंडल में सेंटर साइड में इसको इस तरह से फंसाएंगे। अब इसको इस तरह से फोम के अंदर दबाना है, नेट को दोनों तरफ से दबाएंगे, सामने की तरफ से इसको खुला रखना है, इसको स्टिक नहीं करना है। ये बीच में ग्लू लगा के यहाँ पे बेल लगा रही हूँ। अब यहाँ पे फ्लावर लगाएंगे ऊपर साइड में। यहाँ पे दो लेस लगाएंगे, एक इस साइड में और एक दूसरे साइड में, इस तरह से नीचे की तरफ ग्लू से चिपका देंगे। पिलो रखेंगे इसमें, इस तरह से टोकरी बन के तैयार है, बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।